Hello everyone, I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the time of supply, and this is the second lecture of the time of supply, and today we are going to discuss about the time of supply in normal cases. The time of supply in normal cases we are going to discuss today. So iske pehle maine ek lecture already upload kiya hai time of supply ke upar. Jin students ko time of supply pe kuch कन्फ्यूजन्स है वो पहले वो लेक्चर को देखें और उसके बाद इस लेक्चर को देखें, ताकि आपको टाइम ऑफ सप्लाई के जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएंगे और आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे 8 to 7 मार्क्स के लिए वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, इन तीनों के ऊपर आपके पेपर में 8-7 मार्क्स के बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. एंड सिंस जीएसटी इज द न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस फॉर सेमेस्टर 6, तो स्टूडेंट्स आर लिटिल बिट कंफ्यूज कि विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क इन द एग्जामिनेशन. सो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड एंड वीडियो अबाउट द एक्सपेक्टेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच कैन बी ask in the examinations. So if you have not yet seen the video, just check the video so that you will get a basic idea ki which kind of questions are expected for your semester 6 examination. So aaj hum time of supply ke normal cases ke bare mein baat karne wale hai, jo aapke exam se related kafi important part ban jata hai. Because pehle jab service tax syllabus mein tha, tab point of taxation calculate hota tha, usme bhi university mein ye type ke questions puche jate the. तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस अभी भी पूछने के बेसिस पे अगर देखा जाए तो सेम टाइप के क्वेश्चंस अभी भी आ सकते हैं. बट अभी फिलहाल सिंस जीएसटी है तो जीएसटी में ये हम टाइम ऑफ सप्लाई के बेस पे कैलकुलेशंस करेंगे. तो सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ योर नॉर्मल केसेस हम बात करने वाले हैं. टाइम ऑफ सप्लाई इन नॉर्मल केसेस, टाइम ऑफ सप्लाई नॉर्मल केसेस में आपको कॉलम्स कैसे दिए होंगे वो भी मैं बताता हूँ, और बेसिकली आपको उसमें से क्या पॉइंट्स याद रखने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ. सो दैट ये आपके जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, बेसिक डाउट्स है, वो क्लियर हो जाएंगे. बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज दैट कि टाइम ऑफ सप्लाई में क्या करना है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है. तो ये वीडियो से आपके सारे प्रॉब्लम्स जो रहेंगे वो दूर हो जाएंगे. तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें. टाइम ऑफ सप्लाई विल बी इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस, देन द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. देखो अभी एक बेसिक रूल बता रहा हूँ आपको. आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास तीन कॉलम्स दिए रहेंगे. हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे सॉल्व करने वाले, तीन कॉलम्स रहेंगे. नंबर वन रहेगा प्रोविजन फॉर सर्विस, नंबर सेकंड रहेगा डेट ऑफ इनवॉइस, और नंबर थर्ड रहेगा डेट ऑफ पेमेंट. तो प्रोविजन ऑफ सर्विस, फिर इनवॉइस का डेट और पेमेंट का डेट. तो आपको क्या करना है, प्रोविजन ऑफ सर्विस के डेट को इनवॉइस के डेट से मैच करना है सबसे पहले. वही मैंने यहां पे लिखा है, एंड दैट इज इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस, देन टाइम ऑफ सप्लाई विल बी इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. अगर आपका प्रोविजन ऑफ सर्विस का डेट और इनवॉइस का डेट, ये दोनों डेट्स को आपको देखना है, और अगर आपने इनवॉइस 30 डेज के अंदर बनाया होगा, किसके अंदर, 30 डेज के अंदर, कौन से डेट से, प्रोविजन ऑफ सर्विस के डेट से. समझो मैंने प्रोविजन ऑफ सर्विस का डेट दिया है 1 नवंबर 2018, और आपने इनवॉइस अगर बनाया 30 डेज के अंदर, मतलब अगर आपने इनवॉइस बनाया समझो 25 नवंबर को, तो 1 नवंबर से लेके 1 दिसंबर अगर हम काउंट करें तो 30 डेज के बेस पे ड्यूरेशंस होते हैं. तो अगर इन दोनों के बीच में अगर इनवॉइस बनाया होगा तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई कैसे गिनना है, आपको टाइम ऑफ सप्लाई गिनना है किसको कंपेयर करना है, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. सो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर का पॉइंट आपको देखना है. सो रूल नंबर वन, आई रिपीट अगेन, रूल नंबर वन सेज इफ योर इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विस से अगर आपका इनवॉइस 30 डेज के अंदर बनाया होगा तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई लेते वक्त दो चीजों को कंपेयर करना है. एंड दो चीजें कौन सी है, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो अर्लियर डेट आता है वही आपको कंसिडर करना है.
देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ इन्वॉइस इज इशूड आफ्टर 30 डेज, अगर आपने इन्वॉइस 30 डेज के बाद में बनाया तो क्या होगा, तो आपको क्या करना है, प्रोविजन को सर्विस से कंपेयर करना है, प्रोविजन ऑफ सर्विस को, सॉरी प्रोविजन ऑफ सर्विस को पेमेंट से कंपेयर करना है, विच एवर इज अर्लियर लेना है. सो पहले कैटेगरी में क्या था, हम कंपेयर कर रहे थे इनवॉइस को पेमेंट के साथ और अर्लियर ले रहे थे, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई के लिए हम इनवॉइस और पेमेंट में से जो अर्लियर था वो ले रहे थे. अभी सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में है प्रोविजन को कंपेयर करूंगा पेमेंट के साथ. तो पहला केस याद रखो आईपी और सेकेंड केस याद रखो पीपी. आईपी का मतलब आई रेफर्स टू इनवॉइस, पी रेफर्स टू पेमेंट. तो अगर आपने 30 डेज के अंदर बनाया होगा तो आई को पी से कंपेयर करने का, आई का मतलब है इनवॉइस, पी का मतलब है पेमेंट. और अगर आपने 30 डेज के बाद बनाया होगा तो पी को पी से कंपेयर करना है, प्रोविजन ऑफ सर्विस को पेमेंट से कंपेयर करना है. तो ये तो थियोरेटिकल चीज़ें हैं, थियोरेटिकल चीज़ों से इतना क्लियर नहीं हो पाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लाया है. सो अभी हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखते हैं कि जो मैंने अभी आपको रूल्स बताए हैं वो आपको कितने बेसिस पे क्लियर हो रहे हैं. सो हियर वी आर हैविंग थ्री कॉलम्स ओवर हियर. एक है आपका प्रोविजन ऑफ सर्विस, एक है आपका डेट ऑफ इनवॉइस, एक है आपका डेट ऑफ पेमेंट. देखो काफ़ी इजी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, बिकॉज स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत डेट लिख के आ जाते हैं. तो अभी सबसे पहले देखो रूल क्या है, हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रोविजन को इनवॉइस से कंपेयर करना है. देखते हैं, देखो यहाँ पे है 8 दिसंबर 2018, यहाँ पे है 20 दिसंबर 2018. तो हमारा रूल बोलता है कि अगर आपने प्रोविजन और सर्विस को और इनवॉइस को देखने के बाद ये देखना है कि 30 डेज के अंदर इनवॉइस बना है या नहीं, तो 8 दिसंबर 2018 को हमने सर्विस का प्रोविजन किया, इनवॉइस मतलब बिल, हमने बिल कब बनाया, 20 दिसंबर, सेम मंथ में बिल बनाया. तो ये 30 डेज के पहले इनवॉइस बना या 30 डेज के बाद इनवॉइस बना, ये 30 डेज से पहले बना है, क्योंकि लिए 8 दिसंबर से लेके अगर हम देखें तो 8 जनवरी तक 30 डेज होते हैं, तो उसके पहले ही इनवॉइस बना. अगर इनवॉइस 30 डेज पहले बना होगा तो रूल क्या बताया था मैंने, इनवॉइस अगर 30 डेज पहले बना होगा तो रूल है इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. मतलब अभी हमें क्या कंपेयर करना है, इनवॉइस की डेट को पेमेंट की डेट से कंपेयर करना है और अर्लियर वाला लेना है. तो आपका यहाँ पे अर्लियर कौन सा हो जाएगा, इनवॉइस और पेमेंट में से कौन सा अर्लियर है, इनवॉइस और पेमेंट में से आपका 20 दिसंबर पहले आता है कि 31 दिसंबर पहले आता है, तो 20 दिसंबर पहले आता है. तो 20 दिसंबर आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा फर्स्ट केस के लिए, ठीक है. अगर क्लियर नहीं हुआ है तो सेकंड एग्जांपल देखो, वहां से भी क्लियर हो जाएगा. और सारे एग्जांपल देखने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को फिर से एक बार देखना, आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्लियर हो जाएगा. प्रोविजन ऑफ सर्विस सेकंड वाला डेट है 6 दिसंबर 2018, 1 जनवरी 2018. देखो पहले इसको देखना है 6 दिसंबर 2018, फिर देखना है 1 जनवरी 2018. अब 6 दिसंबर 1 जनवरी, 6 दिसंबर से लेके 6 जनवरी 30 डेज होते हैं, यहाँ तो 1 जनवरी दिया है, तो 1 जनवरी ये 30 डेज के पहले ही बनाया हमने इनवॉइस. तो अभी आप किसको कंपेयर करोगे, अभी अगेन आप इनवॉइस को पेमेंट से ही कंपेयर करेंगे. अगर 30 डेज पहले बना तो इनवॉइस को पेमेंट, मैंने बताया था आई को पी के साथ, आप ऐसे याद रख सकते हैं आई को पी के साथ. तो आई है हमारा 1 जनवरी 2019, पेमेंट है हमारा 24 फरवरी 2019. तो 1 जनवरी पहले आता है कि 24 फरवरी पहले आता है, ऑब्वियसली 1 जनवरी पहले आता है, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा 1 जनवरी 2019, ठीक है. चलो नेक्स्ट केस में जाते हैं, थर्ड केस में 15-11-2018, 25-11-2018, ये 15-11, ये 25-11. तो अगेन 30 डेज के बिफोर बनाए, 30 डेज के बिफोर बनाए तो हमको क्या कंपेयर करना है, इनवॉइस को पेमेंट के साथ. तो इनवॉइस का है 25-11, पेमेंट का है 24-12. तो 25-11 पहले आता है कि 24-11 पहले आता है, 25-11 पहले आता है. तो आपका इनवॉइस का डेट जो है वही आपका बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई. नेक्स्ट इज 24 फरवरी 2018, 29 मार्च 2018. देखो ये पहले तीन जो केस थे वो सेम थे, अब ये फोर्थ नंबर 30 डेज के बाद का है. 28 फरवरी 2018, यहाँ पे बोल रहा है 29 मार्च 2018. तो 29 मार्च हो गया है, 30 डेज के बाद का डेट है. तो 30 डेज के बाद अगर बनाया तो मैंने आपको बोला था क्या याद रखना है, पीपी याद रखना है. पीपी इज व्हाट,
पी रेफर्स टू प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड पी रेफर्स टू पेमेंट। पहले हम क्या कंपेयर करते थे, इनवॉइस को पेमेंट से कंपेयर करते थे, और अगर 30 डेज के बाद बनाए तो हमको क्या कंपेयर करना है, पी को पी से कंपेयर करना है, मतलब ये कॉलम को ये कॉलम से कंपेयर करना है। अब देखो इनवॉइस का डेट हो गया, उसको कंपेयर करना ही नहीं है, अभी हमको किसको कंपेयर करना है, प्रोविजन ऑफ सर्विस 28 फरवरी 2018 और 28 मार्च 2018। सो उस बेस पे अगर चेक करें 28 फरवरी 2018 और 28 मार्च 2018, इन दोनों में से अर्लियर लेना है, अभी प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, 28 फेब आता है पहले कि 28 मार्च आता है पहले, ऑब्वियसली फेब आता है तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा 28 फेब। ठीक है, और एक बार लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ नंबर का पॉइंट, 25 जनवरी 2019 एंड इनवॉइस है 28 फरवरी 2019। देखो यहाँ पे भी 30 डेज के बाद है, जब 30 डेज के बाद रहा तो मैंने क्या बताया आपको, प्रोविजन ऑफ सर्विस को कंपेयर करना है पेमेंट के साथ, तो प्रोविजन ऑफ सर्विस कितना है 25 जनवरी 2019, ये पेमेंट का डेट कितना है 25 मार्च 2019, तो प्रोविजन का डेट है 25 जनवरी, पेमेंट का डेट है 25 मार्च, तो 25 जनवरी पहले आता है कि 25 मार्च पहले आता है, 25 जनवरी पहले आता है, इसलिए इसका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा 25 जनवरी 2019। लास्ट केस देखते हैं, 7 मार्च 2019 इनवॉइस है 25 मार्च 2019, तो 7 मार्च 2019 पहले ये देखना है कि 30 डेज बिफोर इनवॉइस बना है या 30 डेज आफ्टर बना है, 30 डेज बिफोर है या आफ्टर है, देखो 7 मार्च 25 मार्च उसी मंथ में बनाया इनवॉइस, मतलब 30 डेज बिफोर बना है, तो 30 डेज बिफोर रहा तो मैंने क्या बताया था आपको याद रखने का, आई को कंपेयर करना है पी के साथ, आईपी याद रखो, आईपी कंप्यूटर में होता है ना आईपी एड्रेस, तो आप आईपी याद रख सकते हैं, और अगर 30 डेज के बाद याद रख 30 डेज के बाद अगर इनवॉइस बना है तो क्या याद रखना है, पीपी याद रखना है, पीपी पीपी में क्या होता है, प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट, तो अभी 30 डेज बिफोर है आफ्टर है, तो 7 मार्च 2019 इनवॉइस बना 25 मार्च 2019, तो देखो 7 मार्च 25 मार्च 30 डेज के बिफोर ही बना है, 30 डेज के बिफोर बना होगा तो हमें क्या करना है, इनवॉइस को कंपेयर करना है पेमेंट के साथ, तो 25 मार्च पहले आता है 25 मार्च पहले आता है कि 28 मार्च पहले आता है, 25 मार्च पहले आता है, 25 मार्च विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, तो 25 मार्च विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, 25 मार्च विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। तो अकॉर्डिंगली ये सारे पॉइंट से मैंने आपके सारे केसेस क्लियर किए हैं, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, एज वेल एज वीडियो को दो बार देखें, सो दैट आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी इससे रिलेटेड बेनिफिट्स मिल पाए। टिल देन बाय बाय, एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर।